अदर साइड स्ट्रेच होगा इसमें। ये आईटी बैंड इंजरी के लिए अच्छा है, आईटी बैंड स्ट्रेच अच्छा है, आईटी बैंड इंजरी के लिए। पूरा देखा और थोड़ा सा आगे वेट डालना है, आगे और वो ग्लूट स्ट्रेच होगा, ग्लूट्स रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। आइए तो अभी इसको ऐसे बैठे रहो, थोड़ा नेक वगैरह आप डाउन करो, शोल्डर रोटेट करो, रिलैक्स। बैक स्ट्रेच होगा इसमें अच्छा। बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। चेंज पीछे लगाएंगे, रोल करेंगे पांच में, रोल
बॉडी का सेकेंड हार्ट बोला जाता है, तो अगर आप ऐसे रिलैक्सिंग वे में रखेंगे या फिर दीवार पे ऐसे रिलैक्स होके रहेंगे तो आपका ब्लड फ्लो वगैरह अच्छा बढ़ता है। तो ये भी एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, स्पेशली लॉन्ग रन वगैरह करते हैं तो आप ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके आराम से आप ऐसे लेट सकते हैं, और ये बैक के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। हो गया, अभी लास्ट वाला ये स्ट्रेच कराओ। ये लास्ट एक्सरसाइज है लोअर बैक, नीज पे नीज को चेस्ट को टच करो। लोअर बैक के लिए अच्छा स्ट्रेचिंग है, होल्ड करो 5 सेकेंड, धीरे छोड़ो धीरे छोड़ो। अभी शवासन में लेट जाओ 10 सेकेंड शवासन में। तो दोस्तों ये है रनिंग के बाद वाले, एक मिनट लेट जाओ सब लोग, ये है रनिंग के बाद वाले स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करना है बहुत ज़्यादा, स्पेशली स्ट्रेंथ वर्कआउट के बाद और स्पीड वर्कआउट के बाद वगैरह, मेरा एक्सपीरियंस है और रिसर्च मटेरियल भी है। जिनका बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, हाइपर मोबिलिटी, उनका इंजरीज का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम लोग बहुत कम स्ट्रेचिंग कराते हैं, हफ्ते में 3-4 बार और करते हैं स्ट्रेचिंग, लेकिन जैसे जिमनास्ट के लिए वगैरह ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हाईफाई टाइप वाला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हम लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।